जगदलपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में है। चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले तीन चोर गिरोहों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 2,71,000 रुपए बरामद किए। पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देश पर बस्तर में पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले तीन नटवर लालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों ने बिनाका मॉल स्थित रिलायंस ट्रेंड्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरों ने करीब 2,98,000 की चोरी की थी, जिसकी रिपोर्ट कंपनी द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार और कोतवाली थाना TI MN साहू ने इन चोरों को 48 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी नंद किशोर बघेल को बताया जा रहा है, जो कि प्लेसमेंट एजेंसी का पूर्व में गार्ड रह चुका है। बेसिकली मामला स्थानीय जगदलपुर स्थित बिनाका माल का है, जहां 24 जनवरी और 25 जनवरी की दरमियानी रात जो है बिनाका माल स्थित रिलायंस ट्रेंड्स के कार्यालय से जो है करीब 3 लाख रुपए के चोरी संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी कोतवाली MN साहू के नेतृत्व में अनुसंधान हेतु टीम का गठन किया गया था। और इस टीम के द्वारा इस मामले में कुछ संदेही हैं, जैसे कि अनंत कुमार बघेल, प्रभुनाथ कश्यप और राजेश कश्यप, तीनों छिंदबहार निवासी हैं, जिन्हें संदेह के आधार पर जो है पूछताछ किया गया। और पूछताछ पर इन तीनों के द्वारा चोरी संबंधी अपराध जो है स्वीकार किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।